छात्रों, लास्ट वीडियो में हमने देखा बरसे ही जलत गोस्वामी तुलसीदास की रचना थी। अब हम इस पाठ के इस कविता के स्वाध्याय चौपाई के स्वाध्याय देखेंगे। यह काव्यखंड सीताहरण के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में वन में भटक रहे हैं और बरसात की ऋतु आ चुकी है, पर सीता जी का कोई पता नहीं चल सका। कवि के इस काव्यखंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण किया गया था। तो लास्ट वीडियो में हमने इस चौपाई का और दोहों का सरल अर्थ देखा। अभी ये वीडियो में इस कविता के स्वाध्याय के बारे में बना रहा हूँ। ये पेज नंबर 53 आप देख सकते हैं, पेज नंबर 53 पर कुछ स्वाध्याय दिए गए हैं, तो इसको अपन आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है इसमें कृति पूर्ण कीजिए। तो प्रश्न क्या है, देखिए, पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। तो इस कविता में आपको प्राकृतिक जल स्रोत बताया गया है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम पहला देखेंगे कि नदी और समुद्र ये क्या है, इस पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत है, वाटर के बारे में बताया गया है। दूसरा है, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ लिखे। अर्थ बताया गया है उसकी, इस पद्य में कौन सी लाइन या पंक्तियाँ पूछी गई है वो बताया गया। पहला है संतों की सहनशीलता, तो इसके बारे में इसमें कौन सी पंक्ति है, खल के वचन संत सह जैसे, संतों की सहनशीलता खल के वचन संत सह जैसे। और दूसरा बताया गया है कपूत के कारण कुल की हानि। अब ये अर्थ है इसका, कौन सी पंक्ति पूछी गई है इसके बारे में बताया गया है, जीमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। इस तरह से इसका अर्थ करने वाली जो पद्यांश में पंक्तियां है वह है। और आगे एक तालिका पूर्ण कीजिए, एक कॉलम पे लिखा है इन्हें और यह कहा गया है, इन्हें यह कहा गया है। तो अभी बटू समुदाय किसे कहा गया है, तो दादुर को। मैंने बताया था आपको दादुर को क्या कहा है, बटू समुदाय कहा है। और दूसरा, सज्जनों के सद्गुणों को यह कहा गया है, क्या कहा गया है, तालाब के जल भरना। तो इस तरह से ये तालिका पूर्ण होती है, इन्हें यह कहा जाता है दादुर को, बटू समुदाय, और सज्जनों के सद्गुणों को तालाब के जल भरना। तो आगे हम देखेंगे जोड़ियाँ मिलाइए। तो इसमें एक साइड पे समूह अ दिया है और दूसरा ब समूह दिया है, तो इसमें क्या हो गया है थोड़ा प्रॉब्लम कि उसके सामने ही आंसर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है। फिर भी हम आप जानकारी के ब समुदाय है जो थोड़ा इसमें गलत दिया है, आगे पीछे नहीं करते हुए उन्होंने सीधा सीधा दिया है, तो एग्ज़ाम में आपको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे करके पूछ सकते हैं। तो हम इसका आंसर देखते हैं, दमकती बिजली यानी दुष्ट की मित्रता, यह उसका आंसर आएगा। नव पल्लव से भरा वृक्ष, ये साधक के मन का विवेक, ये आंसर आएगा। उपकारी की संपत्ति मतलब शशि संपन्न पृथ्वी, और भूमि की यानी माया से लिपटा जीव, तो इसका आंसर सामने सामने दिया है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा आपको, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, फिर भी इसका आंसर आप लोग याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं देंगे, आगे पीछे ब समूह करके देंगे। तो आगे का, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द, मतलब जो शब्द दिए गए हैं इसको, इस पद्यांश में अलग शब्द हैं, सिमिलर वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पर बादल है, तो बादल को क्या कहा गया है इस पद्यांश में, जलद। उसके बाद ग्रह को क्या कहा गया है, पतंग या सूर्य। उपग्रह को, प्लैनेट्स जो रहते हैं उसे क्या कहा गया है, मही। पेड़ को क्या कहा गया है, पद्यांश में प्रयुक्त शब्द कौन सा है, बिटव। पौधे को पद्यांश में प्रयुक्त शब्द है अर्क या जवास, अर्क जवास। पत्ते को पात
ऐसा पद्यांश में प्रयुक्त शब्द है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पद्यांश में प्रयुक्त शब्द मतलब पद्यांश में ये कौन से नाम से यहाँ पर आए हैं, कौन सा सिमिलर वर्ड से आए हैं। तो पहला में देखे हमने कि बादल यानी जलद, ग्रह यानि पतंग, सूर्य, उपग्रह, मही, और आगे पूछा गया है पेड़, बिटप, पौधा, अर्कजवास, पत्ते यानि पात। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये कहा गया है कि उपयुक्त कोई 4 पंक्तियाँ जो है आपको उसका भावार्थ लिखना है। तो हम पहले 4 स्टार्टिंग की पंक्तियाँ लेंगे। घन घमंड भर निर्ज गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मनमोरा, दामिनी दमक रही ही घनवाही, खल के प्रति जथा स्थिर नाही, वर्ष ही जलद भूमि निहराए, जथा नव ही बुद्ध विद्या पाए, बूंद अघात सही ही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजैसे। तो इसका सरल अर्थ अपन इस तरह से लिख सकते हैं, बादल आकाश में उमड़ घुमट कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं, श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसे में सीता जी के बिना उनका मन भयभीत हो रहा है, बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, कभी वह बनी रहती है और कभी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है, बादल धरती के नज़दीक आकर बरस रहे हैं, उनका यह व्यवहार ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं, बादल भी जल के भार से झुक गई है और पृथ्वी के नज़दीक आकर अपने जल के प्राणियों को तृप्त कर रहे हैं, पहाड़ों पर वर्षा की बूंदों की चोट पर पड़ रही है, पर पहाड़ चुपचाप शांत भाव से यह आघात उसी प्रकार सहते जा रहे हैं, संत जैसे लोग दुष्ट के कटु वचनों को सह लेते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। तो इस तरह से पहली 4 पंक्ति का भावार्थ हम इस तरह से लिख सकते हैं। आगे कहा गया है कहानी लेखन। कहानी लेखन में एक टॉपिक दिया गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इस ये सुवचन है, इसके आधार पर आपको कहानी लिखना है। तो सुवचनों के आधार पर भी कहानी पूछी जा सकती है। तो इसमें क्या गया है कि परधर्म, दूसरों पर उपकार करना यह हमारा धर्म है, ऐसा एक सुवचन है, इसके ऊपर कहानी अपन इस तरह से लिख सकते हैं। बात आज़ादी मिलने के बहुत पहले की है, तब देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बहुत कम विश्वविद्यालय थे, विद्यार्थियों को दूर दूर स्थानों पर जाकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी और इन्हें वही टिककर पढ़ना पड़ता था, विद्यार्थियों की इस परेशानी को दूर करने के लिए एक महानुभाव ने अपने शहर में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रण किया। इसके लिए उन्होंने सारे देश का दौरा किया और जहाँ से जो भी धन मिला एकत्र किया। एक बार किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि आप कलकत्ता के फला सेठ के पास जाइए, वहाँ आपको अवश्य कुछ धन मिलेगा। वे पहुँच गए उसके पास, उन्होंने सेठ जी के अपना उद्देश्य बताया, सेठ जी ने उन्हें कुछ देर इंतज़ार करने के लिए कहा और वे अपने काम में लग गए। दोपहर से शाम हो गई, सेठ जी ने उन्हें नहीं बुलाया, वे निराश हो गए थे। इतने में सेठ जी अपने केबिन से बाहर आए, वे सज्जन खड़े हो गए और बोले, सेठ जी मुझे आज्ञा दीजिए मैं चलूँ। सेठ जी ने कहा, बैठिए भाई बैठिए, मैं आपका ही काम कर रहा था, ये लीजिए अपने परोपकार के काम में मेरा छोटा सा सहयोग, इस समय में और कुछ नहीं दे पाऊँगा। सेठ जी ने एक चेक उस सज्जन के हाथ में थमा दिया। उस महाशय ने चेक पर नज़र डाली, 7 लाख रुपए उनके मुंह से निकला, सेठ जी मुझे तो पता लगा था कि मुझे यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा और आपने तो बस बस, उन्होंने उस सज्जन की बात काटते हुए कहा, आप परोपकार का काम कर रहे हैं, मुझसे जो धन बन पड़ा मैंने सहयोग दे दिया, इस धन से विश्वविद्यालय के कई काम पूरे हुए। विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए यह धन एकत्र करने वाले व्यक्ति थे महामना मदन मोहन मालवीय, और उन्होंने जिस विश्वविद्यालय का निर्माण किया वह था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इस तरह से परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो दूसरों पे उपकार करना या दूसरों के बारे में सोचना, परोपकार के बारे में सोचना, यह इससे बड़ा धर्म इंसान का कोई नहीं है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। तो इस तरह से आपको कहानी लेखन जो है ये टॉपिक आता है, तो इसमें सुवचन के आधार पे
जैसे कि अभी मैंने एक सुवचन यानी अच्छा थॉट्स जो है, परहित सरिस धर्म नाही भाई, तो इस तरह से भी आ सकता है, या टॉपिक्स दिया जा सकता है आपको, लेआउट देते हैं, इस तरह से भी कहानी लेखन पूछा जा सकता है।